आप देखने जा रहे हैं हिंदुस्तान स्पेशल। महाराष्ट्र का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। रहस्य, रोमांच और सनसनी के अध्यायों के बीच से गुजरती महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामे की कहानी कहां जाकर खत्म होगी ये कोई नहीं बता सकता। विधानसभा की फ्लोर टेस्ट में बहुमत से हम उसको सम्मत करके ये सरकार 5 साल काम करेगी। प्रस्ताव विधानसभा में जब आएगा तो संख्या बल के आधार पे उस प्रस्ताव को हम गिराएंगे, उन्हें हराने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में अगले दिन क्या होगा ये तो छोड़िए, अगले घंटे क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तक मुश्किल है। नए सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण हो गया, सरकार बन गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस गद्दी नशीन भी हो गए। साथ में अजित पवार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन शह और मात का खेल अब भी जारी है। आखिरी बाजी कौन जीतेगा इस पर सस्पेंस अब भी कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रविवार को सुनवाई की, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को राहत नहीं मिली। अदालत सोमवार को दोबारा सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र में सरकार गठन के मसले पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत नहीं मिल पाई है। 24 घंटे के अंदर फ्लो टेस्ट कराने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इनकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को गवर्नर के डिसीजन और समर्थन पत्र की कॉपी सौंपने को कहा है। गेंद अब सुप्रीम कोर्ट में है। सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। अदालत में दलीलों का नया दौर चलेगा, सबूतों की नई फहरिस्त सामने रखी जाएगी, पुराने मामलों पर कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जाएगा। इसके बाद कहीं जाकर साफ होगी तस्वीर। इससे पहले अटकलों का दौर जारी है। अदालत ने सरकार को, मुख्यमंत्री और सबको नोटिस देते हुए ये आदेश दिया है कि कल तक जो लेटर ऑफ सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। हमारी मांग ये है कि यह फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुरंत बिना किसी घोड़ा बाजार के बगैर तुरंत कल ही फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। और मैं पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने जो कागजात पेश किए हैं, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कल हमारे पक्ष में फैसला देगी, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में फैसला देगी। आपकी दिलचस्पी इस वक्त इस बात में होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से विकल्प हैं, क्या क्या संभव हो सकता है। ऐसे में हमने संविधान के जानकारों से बात की और पूछा कि आखिर महाराष्ट्र का मामला इतना खास क्यों है। कोर्ट के सामने इशू ये है, सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या राज्यपाल ने जिस समय मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित किया, उस समय उनके सामने जो मटेरियल था, जो लेटर था, उसके आधार पर एक रीजनेबल तरीके से कहा जा सकता है कि सफिशिएंट मेजोरिटी इनके पास है। अगर बोनाफाइड बिलीफ में
और सफिशिएंट मटेरियल के बेस पे उन्होंने ऐसा किया है तो उनका डिसीजन सही माना जाएगा, वरना उनके डिसीजन को जो चुनौती दी है उसको उसके लिमिटेड पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है। संविधान विशेषज्ञ विवेक नारायण शर्मा की माने तो अजित पवार ने जब राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी उस वक्त वे एनसीपी विधायक दल के चुने हुए नेता थे, इस लिहाज से वो ऐसा कर सकते थे, उन्होंने गलती नहीं की थी। अजीत पवार के पास ये पावर थी कि वो अपने विधायकों को किस पार्टी को समर्थन देगा किसको नहीं देगा। गवर्नमेंट का गठन हुआ है तो उस गठन के दौरान में गठन से पहले उनको एक प्राइमरी फैसला ये दिखाना पड़ता है कि हाँ हमारे साथ कितने लोगों का सपोर्ट है, कितने विधायकों का सपोर्ट है। तो अजीत पवार के पास 54 विधायक, बीजेपी के पास 100 से ज़्यादा विधायक, तो ऐसे में उनका आधे से ज़्यादा का जो मेजॉरिटी मार्क है वो पूरा हो गया। अब उनको फ्लोर टेस्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली दे हैव द स्ट्रेंथ। तो वंस इट इज़ देयर, तो फ्लोर टेस्ट को प्रूव करने के लिए दैट इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट राइट नाउ एट दिस मोमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पहले के ज्यादातर आदेशों में एक बात एक जैसी है, वो है फ्लोर टेस्ट। ऐसे ज्यादातर मामलों में आखिरी फैसला विधानसभा के भीतर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने के शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मांग नहीं मानी। अब देखना यह है कि अदालत 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने के समय को कायम रहने देती है या फिर इसमें बदलाव करती है, जैसा कि कर्नाटक मामले में हो चुका है। ऐसी स्थिति में क्योंकि ऑलरेडी लेटर जा चुका है तो उस स्थिति में उनको फ्लोर पे आके नकारात्मक तरीके से अपनी वोटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर सारी पार्टी ने एक साथ वोटिंग नकारात्मक तरीके से करी है तो उस केस में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर उसमें कुछ लोग उधर जाते हैं कुछ लोग इधर आते हैं तो ऐसी स्थिति में वो देखना होगा कि अनुच्छेद संविधान के 10वें शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से जो भी कुछ डिसएग्रीमेंट होता है तो उतने विधायकों को उस पार्टी से अलग होना पड़ेगा, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ फिर एप्लीकेबल होगा। तो वो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति पैदा हो। अजित पवार ने जब राज्यपाल को 54 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी सौंपी तब वे एनसीपी विधायक दल के नेता थे, लेकिन बाद में एनसीपी के विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। अब सवाल यह है कि ऐसी हालत में अदालत अजित पवार की चिट्ठी को कितनी अहमियत देती है। सवाल यह भी है कि अगर एनसीपी ने विश्वास मत के दौरान फडणवीस सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए विधायकों को व्हिप जारी किया तो इसके खिलाफ जाने वाले विधायकों का भविष्य क्या होगा। आखिर अजित पवार के समर्थक विधायकों के फैसले को सही माना जाएगा या फिर एनसीपी के व्हिप का पालन करने वाले विधायकों के समर्थन को कानूनी मान्यता दी जाएगी। अब इस पेंच पर सुप्रीम कोर्ट रोशनी डाल सकता है। अगर उनके MLAs, क्योंकि जो कानून कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि सरकार तो बन गई, लेकिन अब आपको एक SR बोमई का भी केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि फ्लोर टेस्टिंग असेंबली या पार्लियामेंट में ही होगी और ये सरकार बनने के बाद इनको असेंबली में अपनी ताकत दिखानी होगी, अपने नंबर्स दिखाने होंगे और वहाँ पर जो स्पीकर है स्पीकर की डिसीशन फाइनल होगी कि क्या उतने मेंबर्स परेड कराए गए, उतने मेंबर्स के सिग्नेचर MLAs के दिए गए, और अगर 2/3 से कम होते हैं तो फिर स्पीकर जो है इनको निष्कासित कर सकता है पार्टी से, इनका जो नामांकन है खारिज कर सकता है। तो ये अब देखने की बात है कि क्या अजीत पवार के पास 36 MLAs के दस्तखत है। मुंबई में इस वक्त एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के खेमे में जबरदस्त हलचल है। एनसीपी की निगाहें उस नंबर पर भी टिकी हैं जिसके दावे शरद पवार लगातार कर रहे हैं। शरद पवार पूरे दिन अपने विधायकों के संपर्क में रहे तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी विधायकों से लगातार बात की। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने अपने विधायकों पर कमान कस दी है। इस वक्त मुंबई के 3 अलग अलग होटल्स में इन तीनों दलों के विधायक ठहरे हुए हैं। एनसीपी विधायकों को मुंबई के रेनेशा होटल में ठहराया गया है। एनसीपी ने यहां 60 कमरे बुक करा रखे हैं तो शिवसेना ने मुंबई के होटल ललित में 100 कमरे बुक करा रखे हैं जिनमें 3 प्रेसिडेंशियल कमरे भी हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अपने विधायकों को मुंबई के ही मैरियट होटल में ठहरा रखा है। पार्टी ने यहां कुल 40 कमरे बुक कराए हैं।
यहां पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को विधायकों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई है। एक एक एमएलए पर तीनों पार्टियां नजर रख रही हैं। मुंबई का रेनेशा होटल वही होटल है जो पिछले दिनों कर्नाटक के बागी कांग्रेस नेताओं को ठहराने को लेकर चर्चा में रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार गठित की गई वो कहीं ना कहीं गलत पत्र के आधार पे गठित की गई है। निश्चित रूप से इस सरकार के पास बहुमत नहीं है। जहां तक एनसीपी विधायकों का सवाल है, कल तक 5 विधायक हमारे संपर्क में नहीं थे, जिसमें से 2 लौटे हैं। तीसरे विधायक ने भी वीडियो के जरिए अपना संदेशा भेजा है। शाम होते होते सारे विधायक हमारे लौट आएंगे। सरकार के पास बहुमत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देवेंद्र जी इस्तीफा दे दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से सदन में हम सरकार को पराजित करेंगे और महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन करेंगे। साफ है कि महाराष्ट्र में इस वक्त आर पार की सियासी जंग चल रही है। इस लड़ाई में साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया जा रहा है। पूरा देश इस पर टकटकी लगाए देख रहा है। एनसीपी की तरफ से अजित पवार की देर सवेर घर वापसी के दावों के बीच अजित पवार ने एक बड़ा ट्वीट किया। इन तीनों दलों के लिए ये साफ साफ इशारा है कि अजित पवार अब पीछे नहीं लौटने वाले। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ट्वीट कर पीएम मोदी की बधाई पर उन्हें धन्यवाद दिया है। पवार ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करेंगे जो कि महाराष्ट्र के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करेगी। अजित पवार की तरफ से ये ट्वीट तब सामने आया जबकि शरद पवार और उनके समर्थकों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे कि अजित पवार भी आखिरकार बीजेपी का साथ छोड़कर घर वापसी कर लेंगे। ठीक है, वो किस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं मुझे तो पता नहीं है, पर जो भी वो करते हैं एक टाइमिंग है लोगों को मिसलीड करने के लिए ये सब बयान दिए जाते हैं। अजित पवार लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अजित पवार एनसीपी के अभी नेता नहीं रहे, शरद पवार जी ने उनको एनसीपी के नेतृत्व पद से हटा दिया है और जयंत पाटिल जी इस पार्टी के नए नेता है, तो उनके पास में कोई अभी संख्या नहीं है और एनसीपी तो कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन में शामिल है, इसलिए अजित पवार कुछ दिनों के लिए ही राज्य के डिप्टी सीएम रहेंगे। सवाल यह है कि अगर अजित पवार और उनके समर्थक अपने फैसले पर कायम रहे तो आखिर क्या होगा। इन चर्चाओं के बीच शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। तीनों दलों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट सीएम देवेंद्र फडणवीस को जल्द से जल्द विधानसभा में बहुमत साबित करने को कह सकता है, जहां फैसला उनके खिलाफ जाने वाला है ये तय है। शपथ समारोह होता है मुख्यमंत्री का, सभी मीडिया की चैनल को बुलाया जाता है, सभी दलों को निमंत्रित किया जाता है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, किसी को नहीं बुलाया, जैसे कोई चोरी करने जा रहा हो। रात के अंधेरे में सब बन जाता है और जैसे चोर चोरी करता है ऐसे शपथ आज तक नहीं हुआ। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नंबर है, फ्लोर टेस्ट कर लो। सुप्रीम कोर्ट का खुद का ये जजमेंट है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म विधानसभा का पटल होता है, देख लो किसकी ताकत है, है तो नहीं नंबर उनके पास। फिर इस तरह का काम, मैं मानता हूँ देश की जनता जो है ना, कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना आर पार के लिए ताल ठोक रही है, तो वहीं बीजेपी भी सीधी चुनौती दे रही है। बीजेपी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का जब भी बहुमत साबित करने का आदेश आएगा हमें इसमें देर नहीं लगेगी। पार्टी अपने पास पूरे नंबर होने को लेकर निश्चिंत दिखाई दे रही है। जो दलीलें दी गई कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कोर्ट में, ये मैं मानता हूं एक मजाक है। ये इतने बड़े मशहूर वकील होकर के हमने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमने अगले दिन मीटिंग बुलाई है, इसका गवर्नर ने, राज्यपाल ने संज्ञान में नहीं लिया है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक तरह से संविधान का अवहेलना कर रही है और राज्यपाल जी केवल और केवल संविधान के सूत्रों के आधार पर अपने काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसी विषय पर गौर करेगी। क्या किसी संविधान के गाइडलाइन का, क्या कोई पहली जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स का कोई उल्लंघन हुआ है, और जब भी हमारे हमसे कहा जाएगा राज्यपाल जी के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुमत सिद्ध करने का, हम तुरंत करेंगे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है।
देश के संविधान के जाने माने जानकार इस मुद्दे पर अभी कुछ कहने को जल्दबाजी बता रहे हैं। वे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली अजित पवार की चिट्ठी और राज्यपाल के आदेश के कॉपी के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अभी किसी बात के ऊपर विचार ये समझना कि यही हुआ वो गलत होगा। जब MLAs जो पार्टी बने हैं वो जवाब देंगे, होम मिनिस्टर जवाब देंगे, यूनियन ऑफ इंडिया जवाब देगी, तो पता चलेगा कि असल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी कागज़ दिए गए राज्यपाल को, जो चिट्ठियाँ कागज़ सपोर्ट के, वो उनके ऊपर क्या लिखा है, MLAs ने क्या कहा है, किसको वो समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि पहले जो समर्थन की चिट्ठियाँ हैं कुछ मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार, वो समर्थन शिवसेना NCP कांग्रेस के लिए था। और अगर उसमें लिखा है और वही चिट्ठी के बिना के ऊपर राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति शासन को खत्म किया, समाप्त किया। मौजूदा उठापटक से साफ है कि महाराष्ट्र के इस महासियासी ड्रामे का क्लाइमेक्स भी बड़ा होगा, इसलिए महाराष्ट्र की माया नगरी की राजनीतिक माया ने सबकी निगाहें अपनी तरफ खींच रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।